हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास है एक सैमसंग का फ़ोन जिसका मॉडल है B351। ये जैसे आप देख रहे हो B351 है। तो आज इसको हम फुल फ्लैशिंग करेंगे, और फ्लैश करने से पहले बता रहा हूँ इसमें ये प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके पास फ़ोन लॉक आता है या सिम लॉक आता है तो आप फ्लैशिंग के थ्रू हटा सकते हो, बट अभी मेरा इसमें जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही अजब प्रॉब्लम है। मैं दिखा रहा हूँ, ये सैमसंग लिख के बस बंद हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि ये सैमसंग का लोगो आया, अभी ऑटोमेटिक इसके बाद से ये बंद हो जा रहा है, ठीक है। तो आज हम इसको फ्लैश करेंगे, देखते हैं फ्लैश होने के बाद ये इसका प्रॉब्लम ठीक होता है या नहीं होता है। लेकिन और मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, अगर ये ठीक भी हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो अलग सी बात है। अगर आपके यहाँ आए फ़ोन जो हैंग ऑन लोगो पर का हो, या सिम लॉक हो, या फ़ोन लॉक हो, अगर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर इशू रहता है उसमें, तो आप इजीली सिम लॉक फ़ोन लॉक तो हटा ही सकते हो फ्लैशिंग के थ्रू। तो चलिए, ये करना कैसे आपको फ्लैश जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए हम आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो मैं वीडियो स्किप नहीं करूँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे कैसे करना है। तो हमें इसकी फर्मवेयर की ज़रूरत होगी, इसकी फ्लैश फाइल की। तो अभी मैंने डेस्कटॉप इसका फ्लैश फाइल रखा हुआ है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट भी कर दिया हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और आपको दो चीज़ की ज़रूरत होगी, ऑडिन फाइल की, जो ये मेरी ऑडिन है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और सैमसंग USB ड्राइवर तो आपने इंस्टॉल कर लेना, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर नए आप काम कर रहे हो तो वो सैमसंग USB ड्राइवर आप इंस्टॉल कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम ऑडिन फाइल को ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे ये न्यू वर्जन में ऐसा बोलता है, ओके यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ जो फोल्डर है यहाँ से बूटलोडर ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, हमारी फाइल यहाँ पे B351 ये फाइल में जाएंगे, इसमें जाएंगे, और हमारी जो बूटलोडर की फाइल है ये बूटलोडर ले लेंगे, और FP यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, FP ले लेंगे, एंड लास्ट फाइल जो हमारी CSC फाइल है ये ले लेंगे, ठीक है। अब आपको मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करा के दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए हम अपना डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेते हैं। इसका सैमसंग मॉडेम जो बनाता है ड्राइवर, वो आपको इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो हमने डिवाइस मैनेजर ओपन कर लिया है। अब फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ़ोन कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपका USB सही होना चाहिए, एंड हम इसको कनेक्ट करेंगे। पहले 0 बटन है, 0 बटन दबाएंगे, अराउंड पावर बटन, ठीक है। तो दबाए रखेंगे तो ये हमारा डाउनलोड मोड में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इसका डिवाइस मैनेजर तो ओपन यहाँ कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम फोन को कनेक्ट। तो थोड़ा सा मेरा स्टोरेज फुल होने के कारण कैमरा रुक गया था, तो कोई बात नहीं। चलिए तो ये मैंने डाउनलोड मोड में बताए थे आपको कैसा लाना है, उसके बाद चलिए हम फोन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर लिया, आप देखिए डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे COM6 बना दिया, ठीक है। और आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, इसमें मोडम्स में बनाया हुआ कहीं पे इसका, जो देखिए यहाँ पे मोडम में सैमसंग USB मोबाइल, मतलब मोडम इसका बना दिया, ठीक है यहाँ पे। और सिंपली हमें स्टार्ट पे क्लिक देना है, यहाँ पर मैं नीचे में यहाँ पे स्टार्ट का बटन पे क्लिक दे दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैशिंग हो रहा है, आपको मैं फ़ोन में दिखा दे रहा हूँ, इसमें फ्लैशिंग स्टार्ट है। और मैं वीडियो स्किप नहीं करूँगा, थोड़ा सा अगर फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा बस। Thank you.
तो हमारा फ़ोन कम्प्लीटली फ्लश हो गया है, तो चलिए अब हम निकाल के इसको ऑन करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बैटरी इंसर्ट करते हैं फिर से, अब देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सोल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर ये सोल्व हो जाता है तब तो अच्छी बात है, और ये देखिए सोल्व हो ही गया, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था। तो फर्स्ट स्टेप ये सॉफ्टवेयर का फॉल्ट था जो हमारा सही हो गया, एंड सेकंड अगर आपका फ़ोन लॉक हो, सिम लॉक हो या हैंग ऑन लोगो हो, आप सब इससे हटा सकते हो। और मैंने आपको लाइव दिखाया, ये देखिए पास हो गया। सॉफ्टवेयर होने में 2 से 3 मिनट का टाइमिंग लगता है, तो फ़ोन अभी बिल्कुल ऑन है, बैटरी इसका लो है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।